नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पेट साफ करने के कुछ नेचुरल तरीके बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, जो तरीके मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उन तरीकों का आप उपयोग करके अपना पेट साफ कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को फिशर है, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, उनका पेट साफ नहीं होता है और उन्हें हार्ड स्टूल की समस्या होती है। लेकिन जो तरीके मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा और जो आपका स्टूल हार्ड बनता है, वो भी स्टूल आपका सॉफ्ट बनेगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको अरंडी का तेल का इस्तेमाल करना है। अरंडी का तेल, जिसे हम दूसरी भाषा में, इंग्लिश में कैस्टर ऑयल कहते हैं, ये अरंडी का तेल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में या किसी भी नज़दीकी दुकान में मिल जाएगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से। सो दोस्तों, इस अरंडी के तेल को आपको लेना है। कैसे लेना है? आपको सुबह खाली पेट एक ग्लास गुनगुना पानी लेना है और उस एक ग्लास गुनगुने पानी में आपको आधा नींबू का रस आपको मिला देना है। यानी कि आधा नींबू होता है, उसका रस आपको मिला देना है उस गुनगुने पानी में, और एक चम्मच आपको उसमें अरंडी का तेल डालना है और उस मिश्रण को आपको पी लेना है खाली पेट। तो जब आप इस मिश्रण को लेंगे तो क्या होगा कि आपको प्रेशर फील होगा और आपके आंतों के अंदर जो भी पुराने से पुरानी गंदगी मौजूद है, जो भी स्टूल मौजूद है, वो सारा स्टूल निकल जाएगा और आप जो हैं अच्छा महसूस करेंगे। यानी कि एक मॉइस्चर की तरह काम करता है अरंडी का तेल। जो है आपकी जो आते, सूखी हुई आते होती है, उसमें मॉइस्चर लाने का काम करता है अरंडी का तेल। और जो भी आपके आंतों के अंदर जो भी गंदगी मौजूद होती है, उसे फ्लश आउट करता है। तो अरंडी का तेल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है उन लोगों के लिए जिनका पेट साफ नहीं होता है या फिर जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। दूसरा तरीका आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं पेट साफ करने के लिए, आप रात को सोने से पहले जो त्रिफला होता है, उसका आप चूर्ण बनाइए और उस चूर्ण को आपको सोते समय लेना है। एक चम्मच आप त्रिफला का चूर्ण पानी के साथ या दूध के साथ सोने से पहले ले सकते हैं। इससे भी आपका सुबह पेट साफ होगा। और इन दो तरीकों के अलावा आपको तीसरा तरीका आपको यूज़ करना है, वो है फल। आपको फलों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अब ठंडियों का मौसम चल रहा है, तो इस ठंडियों के दिनों में आपको अमरूद मिल जाएंगे। तो अमरूद एक बहुत ही अच्छा फल है पेट साफ करने के लिए। आप अगर अमरूद खाते हैं दिन में एक या दो बार, तो आपका पेट साफ होगा। अमरूद पेट साफ करने में हमारी काफ़ी मदद करता है। अमरूद नहीं मिलता है तो आप कोशिश करिए कि आपको अगर कहीं पर पपीता मिलता है तो पपीता भी आप खा सकते हैं, पपीते से भी पेट साफ होता है। इसके अलावा आप अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगूर से भी पेट साफ होता है। दोस्तों, ये सब फल मैंने खुद खा के देखे हैं जब मुझे कॉन्स्टिपेशन था, ठीक है, जब मेरा हार्ड स्टूल बनता था तब मैं ये फल खाता था और मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं, वही चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, एक और तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो हैं किशमिश का उपयोग कर सकते हैं। किशमिश भी हमारे जो हमारा पेट साफ करने में हमारी मदद करती है। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 4 से 5 किशमिश भिगो के रखने हैं और सुबह खाली पेट वही भिगोए हुए किशमिश आपको खाली पेट खाने हैं। तो उससे भी आपको जो है प्रेशर फील होगा और आपकी जो भी आंतों के अंदर मौजूद गंदगी है, वो सारी निकल जाएगी। और आप एक और आदत डालिए कि आप रोज़ाना सुबह खाली पेट नींबू का पानी पीने की आदत डालिए, ठीक है। इससे क्या होता है, नींबू का पानी पीने से हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, जो भी हार्मफुल केमिकल्स मौजूद होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। और अगर आप दिन में रोज़ाना हल्का गुनगुना पानी भी पीते हैं तो भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हल्का गुनगुना पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हम जो भी खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, ठीक है। सर्दियों के दिनों में आप कोशिश करिए, अभी सर्दियों के दिन शुरू है, इसलिए आप ठंडा पानी अवॉइड करें और थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए। और फ्रीज का पानी, जो रेफ्रिजरेटर में जो हम पानी रखते हैं, वो तो आप बिल्कुल भी मत पिए, क्योंकि उससे हमारा जो है मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है और हम जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो फ्रीज का आप ठंडा पानी बिल्कुल भी मत पीजिए, आप जो है नॉर्मल पानी पीजिए या फिर आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो दोस्तों, जो मैंने आपको ये तरीके बताए हैं उन तरीकों का इस्तेमाल करिए आप, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। ये वो नेचुरल तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपना कॉन्स्टिपेशन दूर कर सकते हैं और हार्ड स्टूल की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको फिशर से पूरी तरह से छुटकारा पाना है तो कॉन्स्टिपेशन ही एक ऐसी जगह है जिसको हम अगर ठीक करते हैं जल्द से जल्द तो हमारा फिशर भी ठीक होगा। आपको डाइट में इम्प्रूवमेंट करना है और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको लेनी है, और इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उसका भी आपको इस्तेमाल करना है। आपका पेट साफ होगा और ज़्यादातर बीमारियाँ हमें पेट से ही होती हैं। सो अगर हमारा पेट ठीक रहेगा तो हमें बीमारी भी कोई नहीं होगी और हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।